नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बुलिश एंगल्फिक कैंडल के बारे में। बुलिश एंगल्फिक कैंडल होता है क्या दोस्तों, और बनता कैसे है? बुलिश एंगल्फिक कैंडल जब भी जो प्रीवियस कैंडल होता है ना दोस्तों, जो प्रीवियस कैंडल जो भी होता है, जो ओपन और क्लोज होता है ना, उसका जब नेक्स्ट डे शो हो गया है, इंडेक्स जो भी ओपन होता है ना, तब गैप डाउन खुलना, जो क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस डे की यहाँ है ना, तो यहाँ से गैप डाउन खुलना, गैप डाउन खुल के जो प्रीवियस डे का ओपन प्राइस होता है ना, वहाँ से ऊपर क्लोज करना, तो उस वो होता है एंगल्फिंग। क्योंकि पूरे की पूरी कैंडल को ये निगल जाता है, खा जाता है प्रीवियस, अपने जो लैंग्वेज में बोलते हैं ऐसे सिंपल लैंग्वेज में, तो जो पहले की जो पूरा कैंडल होता है ना, उसको खा जाना, निगल जाना, उसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। तो चलिए, ये प्योर मतलब पूरा का पूरा ऐसा होता है। इसमें क्या है कि दोस्तों, विक्स भी हो सकता है बड़ा ऐसा, तो आप कंफ्यूज मत होना। लेकिन अपना रूल्स होता है कि यहाँ से ओपन होके यहाँ तक पूरा कंटिन्यू जाना, ये कैंडल है इसको क्लोज करना, तो उसको बुलिश एंगल्फिंग बोलते हैं। कैंडल प्रीवियस का कैसे भी हो सकता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी भी हो सकता है, स्टार डोजी भी हो सकता है, हैमर भी हो सकता है, कोई सा भी कैंडल हो सकता है प्रीवियस कैंडल, लेकिन उसको नीचे, उसके नीचे गैप डाउन होके ऊपर पूरा क्लोज करना, जो हाई होता है ना उसके ऊपर क्लोज कर दिया, तो उसको बुलिश एंगल्फिंग बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको चार्ट कुछ दिखा देता हूँ। मैंने एक चार्ट भी खोल के रखा है, ये देखिए, एक चार्ट डाउनलोड करके रखा था। कभी भी दोस्तों ऐसे मार्केट आता है ना, मार्केट स्टॉक जो भी है वो नीचे आके सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद में कहीं भी अपने को सिग्नल मिल जाता है, अगर सपोर्ट है तो सपोर्ट पे देखिए, पहले यहाँ पे एक डोजी बना था, फिर उसके बाद में इन्वर्टेड हैमर बना, और उसके बाद में ये गैप डाउन ओपन हुआ था, ओपन होकर सीधा इस कैंडल को, पूरे दो कैंडल को एक साथ ही निकल लिया ऐसे, तो अपने को कन्फर्म पता चल गया कि मतलब अब ये मार्केट ऊपर जाने वाला है, यहाँ से रिवर्स होगा करके। तो अपना एंट्री जो कभी भी करते हैं तो 2-3 पॉइंट नीचे रखना, ताकि स्टॉप लॉस का चांसेस बहुत कम रहता है, और एंट्री पॉइंट हमारा ये होता है हमेशा ये वाला, इससे भी एक दो ऊपर लिया। देखिए, इसके बाद में एक दिन ऊपर गया था, फिर गैप अप खुल के नीचे आया, फिर इधर से देख ले, स्टॉप लॉस नहीं किया। अगर आप हमेशा 2-3 पॉइंट नीचे रखते हो ना, तो अपन सेफली बच जाते हैं, नहीं तो कभी कभी क्या है, ये नीचे स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए 1-2 पॉइंट भी नीचे जाके वापस चला जाता है ऐसे, इंट्राडे में ही, क्लोजिंग बेसिस पे नहीं, इंट्राडे में ही चला जाता है। इसलिए कभी भी अपना स्टॉप लॉस रखो ना, तो क्लोजिंग बेसिस पे 2 दिन का रखना कभी भी, तब जाके अपन एकदम सेफली बच जाते हैं। और उसके बाद में देखिए, मार्केट ऐसे ऐसे ट्रेंड लाइन बना के ऐसे जा रहा था, तो अपना स्टॉप लॉस तो वैसे ही हो गया, जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, पता चल गया जहाँ भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे वहीं अपना स्टॉप लॉस है। स्विंग ट्रेडिंग में ये बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों, वैसे इंट्राडे में भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट रहता है ये। तो चलिए, मैं अभी आपको एक दो चार्ट दिखा देता हूँ, ताकि आपको कंफर्म हो जाए। सबसे पहले ये चार्ट कौन सा खुला है, इसी पे देख लेता हूँ। हाँ, ये एक्सिस बैंक का चार्ट है दोस्तों, इसको हटा देता हूँ। ये देखिए, इधर एक बना हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, देखिए कम से कम एक 8-10 दिन इधर ही रुका, यहाँ रुकने के बाद में ये सपोर्ट इधर बन रहा था, और ये जो कैंडल बना है ना, देखिए इसी कैंडल को ये नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हो, सॉरी गैप डाउन ओपन होके पूरा का पूरा कैंडल को निगल लिया, ये समझ लिए पूरा कैंडल खा गया ये, उसको बोलते हैं। आपको चाहिए तो मैं एक बार जूम कर देता हूँ, अच्छे से दिखेगा। देखिए, ये जो प्रीवियस कैंडल का ओपन प्राइस यहाँ पे था और लो प्राइस क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे था, तो ये खुला क्या, गैप डाउन खुल के पूरी की पूरी कैंडल को निकल लिया, और यहाँ से देखिए फिर कहाँ गया, अपना छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है, टारगेट देखिए आप, यहाँ पे स्टॉप लॉस था, यहाँ पे अपना एंट्री पॉइंट था, लगभग एक 20 रुपये का स्टॉप लॉस है, और टारगेट देखिए आप, पहला टारगेट यहाँ पे है 40 रुपये का टारगेट, तो यहाँ पे मिल चुका है। अगर ये पहले एक स्विंग बना के नीचे आया था यहाँ का, फिर वापस ऊपर जाने के बाद में यहाँ का स्टॉप लॉस रखना ना, कभी भी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करके ही चलना, उसके बाद में नीचे आके यही गया, देखिए 740 बोले तो 100 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया, तो वो आपका कैपेसिटी है, कब तक रख सकते हो आप, यहाँ भी एक स्विंग हाई बन के आया था, तो यहाँ तक स्टॉप लॉस रख सकते, तो यहाँ पहला टारगेट रख सकते थे आप,
सेकंड टारगेट तो आपका चॉइस है, लेकिन पूरा टारगेट तो कोई ले नहीं सकता दोस्तों। जो भी होता वो चार्ट के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं, तो अपना क्या है, इधर तक समझ ली, यहाँ तक 100 रुपये तो आराम से ले सकते थे अपन। चलिए मैं दूसरा और दिखा देता हूँ आपको, ताकि और अच्छे से दिखे आपको। निफ्टी में भी दिखा देता हूँ दोस्तों, निफ्टी में भी बना, ये कब बना था, 30 तारीख, इधर देखिए, यहाँ पे बना, देखिए ये निफ्टी का, देखिए मैं बोला ना कैंडल कौन सा भी हो सकता है पहले वाला, तो ये कैंडल कौन सा बना है, ये डोजी कैंडल है ना, ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप में बना है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से ये नीचे जो क्लोजिंग प्राइस है वहां से गैप डाउन खोल के पूरी की पूरी कैंडल को खा गया यहाँ से, और यहाँ तक देख, फिर बाद में देखिए निफ्टी कहाँ से कहाँ तक गया। तो ये पैटर्न का फायदा ये होता है दोस्तों, आप जब भी कोई कैंडलस्टिक को फॉलो करो ना, कम से कम 2 से 3 महीना कैंडलस्टिक को फॉलो करने के बाद में ही आप प्रॉफिट में जा सकते हो, ऐसे नहीं जा सकते हो। बहुत सारे चार्ट में बनता रहता है, हर मतलब कितने स्टॉक है, निफ्टी 50 के स्टॉक ले लीजिए आप, पहले दूसरा मत लीजिए, जब तक आप फर्स्ट में सीखते हो मार्केट को, तब तक निफ्टी 50 के अच्छे स्टॉक ले लेके उसको आप ट्रेक करते रहिए हमेशा। जब भी आपको जो कोट कैटर्न आप जो फॉलो करना चाहते हो ना, जो आपको अच्छा लगे वो वाला मैंने बनाया, बहुत सारे वीडियो बना के डाल दिया ऑलरेडी, जो भी आपको अच्छा लगे वो पैटर्न को कम से कम 2 से 3 महीना फॉलो करिए, उसके बाद ही उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। उसके बाद में रिलायंस में भी दिखा था, तो ये हर चार्ट में बनता, हर मतलब स्टॉक में चार्ट में सब में बनता रहता है दोस्तों, जो भी आप ट्रैक करोगे तो पता चलेगा आपको। देखिए ये इधर बना हुआ है, कौन सी डेट को, 3 अक्टूबर, सॉरी 13 सितंबर 2022 को भी यार रिलायंस का बना था, देखिए। और यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा कैंडल को खा गया, और उसके बाद में टारगेट देखिए दोस्तों, टारगेट पूरा दबा के रख दिया। इतने ये कैंडल स्टिक कुछ होता है, 15-20 कैंडल स्टिक होते हैं। मैं सारा इस वीडियो में अपने जो जो वीडियो में नेक्स्ट डालते रहूँगा, पूरा का पूरा मेरा वीडियो देखिए आप, सब भी वीडियो में जितना भी कैंडल स्टिक का पैटर्न बनता है ना, वो कौन सा पावरफुल है वो भी बताता रहता हूँ मैं, तो आप यूज कर करके आराम से हर महीने 15 से 20% का रिटर्न आप कमा सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, इससे पहले मैंने जो वीडियो डाले हैं वो सब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिए आराम से। और अगर वीडियो को आपने, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो डालते ही आपको पता चल जाए, वीडियो डाल दिया अगर, तो आप वीडियो देख सकते हो तुरंत। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का यही एंड करते हैं, वहाँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बेरिश एंगलफिश का बनाऊंगा, तो आप देख लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो का यही एंड करते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।